मोस्ट वेलकम अध्ययन टूटल के यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं राजेश कुमार, आज हम डिस्कशन करेंगे द नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह कौन कौन से हैं। तो उसमें पहला हमारा है, क्योंकि जो हमारे नेशनल सिंबल्स होते हैं वो हमारी कंट्री की आइडेंटिटी होते हैं, पहचान होते हैं, तो उसमें आज हम बात करेंगे। पहला हमारा है नेशनल सिंबल में नेशनल फ्लैग, हमारा राष्ट्रीय ध्वज क्या है, तिरंगा, तीन कलर से मिला हुआ बना हुआ है, तीन रंग होते हैं उसमें, केसरिया, सफेद और हरा, जिसको कहते हैं सैफ्रॉन, व्हाइट एंड ग्रीन। तो जो केसरिया है वो वीरता का प्रतीक है, व्हाइट जो है स्वच्छता का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है, हरा जो है समृद्धि का प्रतीक है, धनधान्य का प्रतीक है। तो नेशनल फ्लैग हमारा है तिरंगा। तो तिरंगा को जो बनाया गया, अडॉप्ट किया गया था 22 जुलाई 1947 को, इसको अडॉप्ट किया गया था एज ए नेशनल फ्लैग के रूप में। अगला हमारा है नेशनल एंथम, यानी कि राष्ट्रगान। तो राष्ट्रगान हमारा क्या है, जन गण मन, इसको जो था रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया था इसको, और इसको जो सबसे पहले जो गाया गया था, अडॉप्ट इसको किया गया था 22 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया था इसको। और अगला हमारा है नेशनल कैलेंडर, जिसे कहते हैं साख कैलेंडर या सख संबत कहते हैं, इसको अडॉप्ट किया गया था 22 मार्च 1957 को। अगला हमारा नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, इसे बंकिम चंद चटर्जी उपाध्याय ने किया था। फिर हमारा है नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया। नेशनल फ्रूट्स हमारा है मैंगो, इसे हम किंग ऑफ फ्रूट्स भी कहते हैं इंडिया में, और सबसे ज्यादा होता है ये नॉर्थ इंडिया में देखा जाए, जो मैंगो की क्रॉप्स है बेसिकली मार्च टू जुलाई चलती है, जबकि साउथ इंडिया में क्रॉप जो है सितंबर टू फरवरी तक चलती है। तो इस तरीके से देखा जो मैंगो एक ऐसा फ्रूट्स है जो इंडिया में साल भर मिल सकता है। नेशनल रिवर है गंगा, सबसे पवित्र मानी गई होली है, और इसका जो बेसिन है बहुत बड़ा बेसिन है इसका, जो सिंचाई का एरिया है ये गंगोत्री से निकलकर बंगाल की खाड़ी में सुंदर उनका डेल्टा का निर्माण करती है। तो हेरिटेज अगर देखा जाए तो हेरिटेज रिवर्स भी है, एक तरफ बंगाल में सुंदर उनका डेल्टा जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है भाग, उसका निर्माण करती है, और हिमालय के कई से रिवर्स मिलकर बनती है। फिर नेशनल एनिमल हमारा है रॉयल बंगाल टाइगर, सुंदर उनके डेल्टा में पाया जाता है, बाकी नॉर्मल टाइगर से छोटा होता है लेकिन वाटर के अंदर शिकार करता है। अगला हमारा होता है नेशनल ट्री, तो है इंडियन बनियाइन ट्री जिसे हम बरगद कहते हैं। और अगला हमारा है एक्यूटिक एनिमल गंगा रिवर डॉल्फिन, जो इस समय खतरे में है। गंगा रिवर डॉल्फिन जो है वो ऐसी है एक्यूटिक एनिमल्स के, नेशनल एक्यूटिक एनिमल्स के रूप में इसको पहचान मिली हुई है। अगला है नेशनल बर्ड इंडियन पीकॉक जिसे हम मोर कहते हैं। इंडियन करेंसी इंडियन रुपी है, और बाद में इसको जो सुपी जो हमारा सिंबल है आर, हिंदी का जो रा शब्द है वो इसका सिंबल है, जो हमारा है उसका आई ऐसो जो सिंबल मिला हुआ है वो एन आर आई के नाम से मिला हुआ है। नेशनल रेप्टाइल किंग कोबरा को राष्ट्रीय सांप के नाम से जाना जाता है, यानी कि नाम। नेशनल फ्लावर्स लोटस के रूप पहचान है। नेशनल हेरिटेज एनिमल हमारा है इंडियन एलिफेंट, और वेजिटेबल्स है पंपकिन, एंड ऑर्थ लेंजेंस है नेशनल पैलिडेज। तो ये हमारे कुछ नेशनल सिंबल्स थे जिनकी वजह से जो हमारे नेशन है, हमारा कंट्री है, हमारा देश है, उसकी कुछ यूनिकसिटी है, जो आइडेंटिटी है, जो वर्ल्ड लेवल पर आइडेंटिटी होती है, नेशनल को रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल, नेशनल लेवल पर चीज़ें हैं वो हमारे देश को रिप्रेजेंट करती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें पता है आप लोगों को मालूम होंगे, लेकिन बहुत सारे समय कन्फ्यूजन रहता है, तो एग्जाम्स में इनमें से कुछ ना कुछ जरूर पूछ जाता है। ये सिंपल है लेकिन बहुत ही स्लिपरी क्वेश्चंस होते हैं कि हम ओवर कॉन्फिडेंट जाते हैं तो हमें मालूम है, लेकिन वहाँ पर जाकर हम छोटी छोटी गलतियाँ कर जाते हैं। तो ये रहेगा कि आपके लिए ये जो एग्जाम्स हैं छोटे छोटे एग्जाम्स, जैसे UPSC का हो, SSC का हो, ये सभी में आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे।